दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ईसीसी न्यूज टुडे। आज 25 अक्टूबर 2022 को दीपावली के ठीक बाद सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कई लोगों में टाइमिंग को लेकर काफी उलझन बनी हुई है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा और किन राशियों पर प्रभाव यह सूर्य ग्रहण डालेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण किन राशियों पर प्रभाव डालेगा और यह इस साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण भी होगा। दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण 27 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 24 अक्टूबर 1995 को दीपावली के दूसरे दिन यह सूर्य ग्रहण हुआ था और वहीं आज आंशिक सूर्य ग्रहण आइसलैंड के आसपास भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 2:20 पर शुरू होगा और यह ग्रहण करीब 4:30 पर इसे पूर्ण रूप से रूस के आकाश में देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज को चांद करीब एक तिहाई ढक देगा तो सूर्य ग्रहण का ऐसा नज़ारा करीब 5 साल बाद दिखाई देगा। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है और इसके होने से क्या क्या प्रभाव होते हैं और वैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है। सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो इसके लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होने लगा। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उस समय राहु नाम के एक असुर ने भी देवताओं का वेश धारण कर अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तब विष्णु जी ने क्रुद्ध होकर राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि राहु ने भी अमृत पान कर लिया था इसलिए वह अमर हो गया था। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानता है, समय समय पर इन ग्रहों को ग्रसता है। शास्त्रों में इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देखिए आम जन इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में वेद के हिसाब से उपनिषद के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण नहीं होता है, सूर्य पराग होता है। चंद्र में जो ग्रहण लगता है उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ये सूर्य पराग होता है, लेकिन आम जन इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हमारा विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इनकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा जाता है उसकी जो रश्मि है वहाँ रुक जाता है तो हम इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मत में जब विष्णु भगवान ने सागर मंथन का बाद अमृत निकला था, वो अमृत को जब देवता को उसने परिवेषण कर रहे थे उसी समय में सूर्य चंद्रमा का बीच में राहु बैठ गए थे, उनसे से थोड़ा थोड़ा अमृत उसने खा लिए थे, राहु खा लिया था अमृत उसमें से सूर्य और चंद्र, तो इसीलिए उनकी तो सिर छेद कर दिए विष्णु। लेकिन उसी दिन से वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो उनको बता गया, तुम जिस तरह से इनके प्रसाद को सेवन किए, अमृत को ग्रहण किए इनके साथ से मिलके, तो इसीलिए तुम इनके लिए ग्रहण के इनको तुमने ग्रास करोगे, तो यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य पराग संस्कृत में, लेकिन इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण जो है ये उत्तराखंड राज्य में 4:22 से 6:23 तक दिखाई देगा। ये पूर्व जो भारत है जैसे गुवाहाटी है, मेघालय है, उसके जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ दिखाई नहीं देगा। ये भारत में और समस्त जगह में दिखाई देगा, अलग अलग जगह में अलग अलग समय में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त अलग अलग समय होता है। ऐसे उत्तराखंड के हिसाब से
हमारा देहरादून के हिसाब से शाम को 5:33 पर आज सूर्यास्त होगा। ये सूर्य ग्रहण जो लगेगा 4:22 से 6:23 तक रहेगा शाम को, तो इसीलिए यहाँ पर 1:18 ये दिखाई दे सकता है। यहाँ पर 1:11 दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर देहरादून के अंदर में। और ये ग्रहण जो होगा इसमें ग्रहण में कुछ कुछ राशि है, जैसे तुला राशि है, धनु राशि है, मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्कट है, सिंह है, कन्या है। ये राशि वाले वाले जो सूर्य को दर्शन करेंगे, ग्रहण को देखेंगे, इनके लिए शुभ होगा। और जितना राशि रह गया ये राशि के लिए ये ग्रहण अशुभ होगा। और ये जो ग्रहण होगा ये संसार का फल जो होगा क्या होगा इसमें, ये तुला राशि स्वाति नक्षत्र पर ये संगठित होता है। ये ग्रहण होगा जो राशि होगा इसमें क्या होगा, अर्न उपार्जन बहुत ज़्यादा होगा, उपलब्धता भी अच्छी तरह से मिलेगा, साथ में इसमें अशुभ क्या होगा ना, जो राजनेता का रहेंगे संसार में, राज भारत के जो राजनेता है उनके से मत विरोध होगा, उनके अंदर में कलह भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, और कोई विशिष्ट राजनेता का बहुत बड़ा हानि होगा इसके अंदर में। इसके अंदर में व्यवसाय का व्यवसाय लोग उत्तेजना सृष्टि करेंगे, इनकी व्यवसाय में भी बहुत हानि होगा। कोई कोई जगह में दुर्भिक्ष हो सकता है, अन्न अभाव हो सकता है, लेकिन अन्न का जो उत्पादन है वो प्रचुर रूप में यहाँ पर भी होगा। और आध्यात्मिक जगत में जो वहाँ पर मुनि ऋषि साधु संत रहते हैं इसमें बहुत मतभेद होगा, ये बहुत परेशानियाँ में रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। और ये सब रहेगा इसके अंदर में। और कुछ इसकी ग्रहण के बारे में, हाँ और एक चीज़ होता है, ये ग्रहण का समय में बोलते हैं क्या होता है, सूर्य की जो रश्मि आता है वो रश्मि बाधा प्राप्त होने से चंद्रमा द्वारा उसमें क्या होता है, ग्रहण की जो फल होता है ये जो रश्मि आता है वो विषाक्त हो जाता है ग्रहण के समय में। वो रश्मि इसीलिए कटी हुई सब्जी, पका हुआ अर्न, ये जो चीज़ होता है इसमें इसकी प्रभाव जो बहुत ज़्यादा बाधा आता है। गर्भिणी स्त्री जो बाहर में जाती है उसी समय में अपने प्रसाद होने के लिए, तो उसी लिए क्या होता है उनके शरीर में रश्मि प्रवेश करने से गर्भस्थ शिशु है उसमें शरीर में कुछ अंश की अंग कट जाता है, कुछ हो जाता है। तो ग्रहण समय में ये निषिद्ध किया गया, कोई गर्भिणी स्त्री हो जिसकी गर्भवास हो रखा है उसने बाहर को अपने प्रसादन के लिए ना जाए, और वो कमरे के अंदर में रहे, रश्मि का प्रभाव उसमें कम हो। जो पक्का हुआ चीज़ होता है, तेल घी में पक्का हुआ चीज़ बनाते हैं, जैसे पूड़ी बना दिए आपने, कुछ बना दिए, वो चीज़ में आप तुलसी के पत्र या कुसा जब रख देते हैं तो वो विशेष अशुद्ध नहीं होता है। सूखा हुआ चीज़ में इसके रश्मि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।